बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस्तआरा के बारे में बताऊंगा। इस्तआरा अरबी जबान का लफज है जिसका मतलब उधार लेना, मुस्तआर लेना, आरियतन लेना के तौर पर होते हैं। इसकी डिटेल के साथ तारीफ देखते हैं। किसी एक लफज को इसके हकीकी मानों की बजाय इसके मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि इसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए तो इसको इस्तआरा कहते हैं। मिसाल देखते हैं। मेरे शेर ने मैदान मार लिया, गली में चांद आ निकला, बाप ने कहा मेरा शेर सो रहा है। तो इसमें देखते हैं कि इस पहली मिसाल में कौन सा इस्तआरा इस्तेमाल हुआ है। मेरे शेर ने मैदान मार लिया, तो इसमें बाप ने अपने बेटे के लिए शेर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो कि ये इस्तआरा के तौर पर लिया है। तो इसमें ये शेर इस्तआरा है। अब हम अरकान इस्तआरा देखते हैं। याद रखने, ये भी एमसीक्यूज़ की सूरत में सवाल पूछा जाता है कि इस्तआरा के अरकान की तादाद कितनी है। तो याद रखना, तीन तादाद है, मुस्तअरला, मुस्तअर मिनहु, वजह जामे। तो हम देखते हैं कि मुस्तअरला क्या है। जिसके लिए इस्तआरा यानी खूबी उधार ली जाए उसको मुस्तअरला कहते हैं। अब दूसरे अरकान की बात करते हैं। मुस्तअर मिनहु, जिससे खूबी उधार ली जाए उसको मुस्तअर मिनहु कहते हैं। वजह जामे, वो खास खूबी जो उधार ली जाए उसको वजह जामे कहते हैं। अब इस मिसाल की मदद से देखते हैं। मेरे शेर ने मैदान मार लिया, गली में चांद आ निकला, बाप ने कहा मेरा शेर सो रहा है। तो पहली मिसाल में देखते हैं कि मुस्तअरला क्या है। मेरे शेर ने मैदान मार लिया, तो बाप ने अपने बेटे के लिए खूबी उधार लिए, तो इसमें मुस्तअरला बेटा होगा। अब इस मिसाल में मुस्तअर मिनहु क्या है, यानी जिससे खूबी उधार ली जाए, तो इसमें बाप ने अपने बेटे के लिए शेर से खूबी उधार लिया, तो इसमें मुस्तअर मिनहु शेर होगा। और इसमें वजह जामे क्या है जी, वो खास खूबी जो उधार ली जाए। इसमें शेर में क्या खूबी है कि वो बहादुरी होती है, बहादुर होता है, नडर होता है, तो हमने उसकी बहादुरी के लिए खूबी उधार ली है। उसके बाद शेरी सूरत में इसकी मिसालें देखते हैं। पलकों से गिर ना जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। पलकों पर मचल रहे हैं अंजम, किस चांद से आंख जा लड़ी है। तो इसमें देखते हैं कि मुस्तअरला क्या है। पलकों से गिर ना जाए ये आंसू संभाल लो, आमतौर पर पलकों से क्या गिरते हैं, आंसू गिरते हैं, तो इसमें मुस्तअरला आंसू हो गए। मुस्तअर मिनहु क्या है, यानी हमने पलकों के लिए क्या चीज़ खूबी उधार ली है, यानी मोती। तो हमने मोती है इसमें खूबी उधार ली है क्योंकि मोती में चमक होती है, तो ये इसकी वजह जामे बनेगी। उसके बाद पलकों पर मचल रहे हैं अंजम, किस चांद से आंख जा लड़ी है। तो इसमें देखिएगा मुस्तअर मिनहु क्या है, मुस्तअर मिनहु इसमें अंजम है और मुस्तअरला इसमें भी आंसू हो गए और वजह जामे इसमें चमक है। अब हम देखते हैं तशबीह और इस्तआरा में फ़र्क क्या है। एमसीक्यूज़ की सूरत में सवाल पूछे जाते हैं। आप देखिएगा, तशबीह इस्तआरे की इब्तदाई सूरत है, इस्तआरा तशबीह की बलीग तरीन सूरत है। तशबीह की बुनियाद हकीकत पर रखी जाती है और इस्तआरा की बुनियाद मजाज पर रखी जाती है। तशबीह के अरकान की तादाद 5 होती है, इस्तआरे के अरकान की तादाद सिर्फ 3 होती है। इसके बाद हम देखते हैं तलमीह क्या है। तलमीह के लगवी मैनी इशारा करना, सरसरी निगाह डालना। इस्तलाही तौर पर अगर देखा जाए तो तलमीह से मराद किसी तारीखी, सियासी, मजहबी वाक्या की तरफ चंद अल्फाज में इशारा करना तलमीह कहलाता है। जैसे मैंने इधर कुछ मिसालें लिखी हैं, बाजारे मिस्र, दियारे मिस्र, अनल हक, सुकरात, तख्त सुलेमान, यानी ये एक एक लफ्ज़ है और इसके पीछे बहुत बड़े वाक़ियात छुपे हुए हैं। इसके बाद शेरी सूरत में इसकी मिसालें देखते हैं। इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, तो इसमें इब्ने मरियम तलमीह के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद क्या फ़र्ज़ है सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की, तो इसमें क्या फ़र्ज़ है सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की, तो इस मिसाल में कोहे तूर बतौर तलमीह इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरी तरह समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।